Hey guys, welcome back to Hoops Pandit. आज के इस थोड़े से हटके वीडियो में मैं आपको मेरे टॉप 10 बास्केटबॉल रिलेटेड हॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं इसमें कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला। आपको बस थोड़ा सा प्लॉट बताऊंगा और मुझे ये पर्सनली फिल्में क्यों पसंद आई है वो बताऊंगा। सो विदाउट फर्दर एडो चलो जानते हैं टॉप 10 बास्केटबॉल मूवीज के बारे में। नंबर 10 पर है मेरी फेवरेट बास्केटबॉल कॉमेडी सेल्टिक प्राइड। एज द नेम सेज, इस मूवी की कहानी बोस्टन सेल्टिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। सो इस मूवी में दो बहुत ही फनी दोस्त होते हैं जो बोस्टन सेल्टिक्स के फैंस होते हैं और ये दोनों चाहते हैं कि उनकी बोस्टन सेल्टिक्स टाइटल जीते। इस फिक्शनल स्टोरी में सेल्टिक्स फाइनल्स में पहुंचते हैं और फाइनल्स में उनका मुकाबला उटा जैज के साथ रहता है। अब ये दोनों दोस्त बोस्टन सेल्टिक्स जीते इसलिए उटा जैज के एक स्टार प्लेयर को ही किडनैप करने का प्लान करते हैं। फिर आगे इस मूवी में क्या क्या फनी कारनामे होते हैं ये तो आप मूवी में ही देखिए। फिर मेरे फेवरेट बास्केटबॉल मूवीज में 9th नंबर पर आता है अबाउ द रिम। इसमें एक कायल वॉटसन नाम का टैलेंटेड बास्केटबॉल प्लेयर होता है जिसे कौन से टीम से बास्केटबॉल खेलना है ये तय करना होता है। अब इसमें एक तो उसकी हाई स्कूल की टीम होती है और दूसरी एक लोकल गुंडे बर्डी की टीम होती है। इवेंचुअली सोच समझ के काइल कुछ तो डिसीजंस लेता है और स्टोरी आगे बढ़ती है। ये मूवी आज तक कल्ट क्लासिक मानी जाती है क्योंकि इसमें लोकल गुंडे बर्डी के रोल में टूपैक शकूर ने एक्टिंग की थी। Still the only family you got. You may not like the man I become, bro, but I'm still a man. You a joke. फिर नंबर 8 पर आता है सेमी प्रो। ये इजीली फनीएस्ट बास्केटबॉल मूवी है। सो ये मूवी 1976 में बसा है जब एक सिंगर जैकी मून फ्लिन ट्रॉपिक्स नाम के एक बास्केटबॉल टीम को खरीद लेता है। वो जैसे ही इस टीम को खरीद के ओनर बनता है वो इस टीम के साथ कुछ भी करने लगता है। वो पहले इस टीम का हेड कोच बनता है, फिर वो इस टीम का स्टार्टिंग पावर फॉरवर्ड बन के गेम्स खेलने का फैसला करता है और फिर इवन इस टीम का वो कमेंटेटर भी बन जाता है। इसके बाद और भी कई सारे फनी किस्से इस टीम के साथ होते हैं और अपना जैकी मून तो कुछ अलग-अलग फनी चीजें करता रहता है। इसमें जैकी मून के रोल में हॉलीवुड के बहुत ही फनी एक्टर विल फेरेल ने मस्त एक्टिंग की है। विल फेरेल की ये कॉमेडी मूवी स्टार्ट से एंड तक फनी है एंड इट्स अ मस्ट वॉच। 2018 में एक मैच के पहले क्ले थॉम्सन जैकी मून बन के मैच के पहले खेलने आया था। क्ले ने तभी हैलोवीन के लिए ऐसा जैकी मून वाला गेटअप पहना था जो इंटरनेट पे बहुत ही पॉपुलर हुआ था। फिर फाइनली 4 साल बाद हाल ही में विल फेरेल गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के एक मैच में जैकी मून बन के आया था और उसने कुछ बहुत ही फनी हरकतें क्ले के साथ कोर्ट पे की थी जो देखने में बहुत ही मजा आया था। सो इस सेमी प्रो मूवी के बाद में नंबर 7 पर आता है ग्लोरी रोड। ग्लोरी रोड मूवी 1960s में बसी हुई है और ये एक ट्रू स्टोरी पर आधारित है। इसमें टेक्सास वेस्टर्न यूनिवर्सिटी नए बास्केटबॉल कोच को लाते हैं और ये कोच आते ही कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जिससे सभी शॉक्ड रह जाते हैं। सो ये नया कोच डिसाइड करता है कि वो अफ्रीकन अमेरिकन प्लेयर्स से भरी टीम को बनाएगा। उन दिनों में व्हाइट पीपल के एरिया में ऐसे कई सारे अफ्रीकन अमेरिकन प्लेयर्स को खिलाना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। सो ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन प्लेयर्स खिलाने के वजह से उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और इस टीम के साथ बाद में क्या क्या हुआ ये तो आप मूवी में ही देखिए। Now it's not about talent, it's about heart. It's about who can go out there and play the hardest, who can go out there and play the smartest. Then number 6 पर आता है Hoop Dreams. So ये actually movie नहीं है, ये एक basketball documentary है. But मुझे इस list में Hoop Dreams जैसे documentary को कुछ भी करके include करना ही पड़ा, क्योंकि ये किसी भी basketball fan के लिए एक must watch documentary है. इस critically acclaimed documentary में दो बास्केटबॉल प्लेयर्स के जर्नी को दिखाया है, शिकागो के एकदम गरीब इलाके में से कैसे ये दो प्लेयर
एक्टर्स एनबीए में आने के लिए मेहनत करते हैं वो सब चीजें इस डॉक्यूमेंट्री में देखने मिलती है। वो एनबीए में आते आते क्या क्या फाइनेंशियल और सोशल इश्यूज फेस करते हैं और बहुत सारी चीजें हमें इसमें देखने मिलती है। अगर आप बास्केटबॉल खेलते हो और आपको एनबीए में जाने का सपना है तो आपको ये मूवी देखना ही चाहिए, क्योंकि आपको समझेगा कि बाकी प्लेयर्स कितनी मेहनत करते हैं। सो ये सब कुछ इसमें एकदम रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया था और मेरे नजर में ये मैंने देखी हुई वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है। नाउ टॉप 5 में नंबर 5 पर आता है वन एंड ओनली स्पेस जैम। अब इस मूवी का तो मैं क्या ही इंट्रोडक्शन दूं, इस मूवी का तो नाम ही आपके लिए काफी है। इसमें लूनी टून्स के कैरेक्टर्स और माइकल जॉर्डन का एक आइकॉनिक कॉम्बो हमें देखने मिलता है। कोई भी बास्केटबॉल फैन है और उसने ये मूवी नहीं देखा है ऐसा रेयरली होता है। दिस इज एन ऑल टाइम क्लासिक मूवी और कई लोगों के लिए ये मूवी बेस्ट बास्केटबॉल मूवी भी है, बट मेरे पर्सनल मूवी रैंकिंग में ये आती है नंबर 5 पर। फिर स्पेस जैम के बाद में नंबर 4 पे आता है हुजियर्स। ये मूवी भी एक ट्रू स्टोरी पे आधारित है। ये मूवी बसी है एक इंडियाना स्टेट के छोटे से गांव में, जहां पर कोच नॉर्मन डेल लोकल बास्केटबॉल टीम के नए कोच बनते हैं। फिर धीरे धीरे कोच डेल इस खराब बास्केटबॉल टीम को इंडियाना स्टेट की वन ऑफ द बेस्ट टीम बनाते हैं। इस मूवी की पूरी स्टोरी अमेजिंग है और इसमें भर भर के मोटिवेशनल स्पीचेस और एकदम मस्त डायलॉग्स है जो किसी भी बास्केटबॉल प्लेयर को इंस्पायर कर देगा। Don't get caught up thinking about winning or losing this game. If you put your effort and concentration into playing to your potential to be the best that you can be, I don't care what the scoreboard says at the end of the game. In my book, we're gonna be winners. इस मूवी में कोच नॉर्मन डेल का कैरेक्टर फेमस हॉलीवुड एक्टर जीन हैकमन ने निभाया था, जिसके लिए जीन हैकमन को ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। सो नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू माय टॉप 3 बास्केटबॉल मूवीज, बट उसके पहले मैं आपको कुछ ऑनरेबल मेंशंस बता दूं। ये मूवीज भी काफी एंटरटेनिंग बास्केटबॉल मूवीज है जो मेरे पर्सनल टॉप 10 मूवी में तो नहीं है, बट आपको जरूर देखनी चाहिए। सो इस ऑनरेबल मेंशंस में पहली मूवी है फाइंडिंग फॉरेस्टर, जो एक बहुत ही इमोशनल बास्केटबॉल ड्रामा फिल्म है जिसमें साक्षात जेम्स बॉन्ड एक्टर शॉन कॉनरी है। इसमें एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर होता है जो पढ़ाई में एकदम टॉप लेवल पर होता है। वो एक अच्छा राइटर होता है, सो वो बास्केटबॉल चूज करेगा या फिर वो लिटरेचर में नाम कमाएगा, ये तो आपको मूवी में ही देखना होगा। नेक्स्ट ऑनरेबल मेंशन इज ब्लू चिप्स। इसमें शकील ओनील और पेनी हार्डवे ने एक्टिंग की है और इसमें और भी कई सारे एनबीए प्लेयर्स और पर्सनालिटीज है। इसमें एक कोच को ब्लू चिप्स प्लेयर्स यानी टॉप लेवल के हाई स्कूल टैलेंट को रिक्रूट करना होता है। फिर अगर आपको फनी बास्केटबॉल किड्स मूवीज देखनी है तो एयरबर्ड और लाइक माइक जैसे कुछ डिसेंट एंटरटेनिंग बास्केटबॉल मूवीज भी है जो एक्चुअली अभी क्लासिक मानी जाती है। और अगर आपको बास्केटबॉल वाली कोई रोमांटिक मूवी को देखना है तो फिर आप लव एंड बास्केटबॉल भी देख सकते हो, उसके तो नाम में ही सब कुछ आ जाता है। ये कॉलेज के दो बास्केटबॉल प्लेयर्स की लव स्टोरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट और एक ऑनरेबल मेंशन है द बास्केटबॉल डायरीज। इस मूवी में हमें यंग लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्क वॉलबर्ग देखने मिलते हैं। इसमें डिकैप्रियो ने जिम कैरोल नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया है। इसमें ये जिम कैरोल एक बास्केटबॉल प्लेयर होता है और वो एक ड्रग एडिक्ट होता है, और फिर उसके लाइफ में आगे क्या क्या होता है ये सब देखने के लिए तो आपको मूवी ही देखनी पड़ेगी। अब फाइनली हम टॉप 3 में पहुंचे हैं एंड इसमें अब नंबर 3 पर है व्हाइट मैन कांट जंप। दोस्तों ये मूवी इजीली वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल मूवी है। इस 1992 में रिलीज हुए मूवी में वेस्ली स्नाइप्स और वुडी हैरल्सन ने धमाल मचाई है। सो इस मूवी में एक अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक बंदा होता है जिसका नाम होता है सिडनी डीन। वो अच्छा स्ट्रीट बॉल प्लेयर होता है और वो स्ट्रीट बॉल के गेम्स खेल के पैसा कमाता होता है। वैसा ही दूसरा बंदा होता है बिली हॉयल। ये एक व्हाइट अमेरिकन है और एक्चुअली ये भी एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है, बट वो जानबूझ के ऐसा बर्ताव करता है कि उसे कुछ खेलने ही नहीं आता। बट जैसे ही कुछ एरोगेंट स्ट्रीट बॉल प्लेयर्स ज्यादा पैसे वाली बेट लगाते हैं, ये बिली अचानक अच्छा खेलने लगता है और बेट जीतकर पैसे कमाता है। बिली और सिडनी ऐसे ही स्ट्रीट बॉल बास्केटबॉल खेलते खेलते एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है। अब इसके आगे कुछ भी बताना स्पॉइलर होगा, बट मैं इतना जरूर बताऊंगा कि ये मूवी हर बास्केटबॉल फैन के लिए मस्ट वॉच है। हाल ही में हुए ऑस्कर अवार्ड्स में व्हाइट मैन कांट जंप की कास्ट का रियूनियन हुआ था, जो देखने में
काफी मजा आया था। इसके बाद नंबर टू पर है वन एंड ओनली कोच कार्टर। दिस इज इजीली द मोस्ट इंस्पायरिंग बास्केटबॉल मूवी ऑफ ऑल। ये मूवी रियल लाइफ बास्केटबॉल कोच केन कार्टर पर आधारित है और इस मूवी में कोच केन कार्टर के रोल में सैमुअल एल जैक्सन ने बढ़िया एक्टिंग की है। सो मूवी के शुरुआत में ये कोच केन कार्टर रिचमंड हाई स्कूल के कोच बनते हैं और वो आते ही देखते हैं कि कुछ प्लेयर्स बहुत ही बदतमीज होते हैं और उनमें कुछ डिसिप्लिन ही नहीं होता। ये रिचमंड हाई स्कूल का टीम बस ऐसे ही मजाक मस्ती में बास्केटबॉल खेलते होते हैं। कोच कार्टर ऐसे सिचुएशन में आते हैं और उस टीम का पूरी तरीके से नक्शा ही बदल देते हैं। वो इस टीम के साथ क्या क्या करते हैं और वो कैसे डिसिप्लिन को अप्लाई करते हैं, ये सब चीजें आपको मूवी में देखनी होगी। फाइनली नंबर वन पर आता है मेरे नजर में ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल फिल्म एवर मेड, डायरेक्टर स्पाइक ली की ही गॉट गेम। This movie is an absolute masterpiece. ये मूवी एक बाप बेटे की कहानी है जो एक जेल में शुरू होती है। सो जेक शटल्सवर्थ नाम का आदमी एक मर्डर के वजह से प्रिजन में होता है और उसे अपने बेटे को एक पर्टिकुलर कॉलेज से खेलने के लिए मनाना होता है। अब उसे ऐसा क्यों करना होता है ये देखने के लिए आपको मूवी देखना होगा। इस जेक शटल्सवर्थ के रोल में हमें डेंजेल वॉशिंगटन देखने मिलता है और उसका बेटा होता है जीसस शटल्सवर्थ, जिस रोल में साक्षात रे एलन ने एक्टिंग की थी। रे एलन एनबीए में आके ग्रेटेस्ट थ्री पॉइंट शूटर बनने के पहले उसने इस मूवी में काम किया था। सो इस मूवी में रे एलन यानी जीसस शटल्सवर्थ एक टॉप रैंक्ड हाई स्कूल बास्केटबॉल स्टार होता है और सभी को पता होता है कि ये अगले कुछ सालों में एक रिच बास्केटबॉल सुपरस्टार बन सकता है। यही सब देख के उसके कुछ फेक फ्रेंड्स बनने लगते हैं। उसकी एक फेक गर्लफ्रेंड बनती है जो वो फ्यूचर में रिच बनेगा ये देख के उससे ज्यादा चिपकने लगती है। पहले जो लोग उससे पूछते भी नहीं थे वो अचानक उसको देने लगते हैं। उसी में उसके पिता भी जेल से बाहर आके उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब जीसस शटल्सवर्थ को अपने फेक फ्रेंड्स, फेक गर्लफ्रेंड, जेल से परोल पे बाहर आए पिता और बास्केटबॉल करियर को प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। ये सब वो कैसे करता है उसके लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी होगी। इट इज द बेस्ट बास्केटबॉल मूवी इन माय ओपिनियन। सो कुछ 10 साल पहले एनबीए ने निकनेम वाली जर्सीज को इंट्रोड्यूस किया था। सभी बास्केटबॉल प्लेयर्स अपने निकनेम को जर्सीज पे लिखते थे और उस टाइम पे रे एलन के जर्सी पे यही जीसस शटल्सवर्थ लिखा हुआ था। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सभी मूवीज देखने में मजा आ जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।